की सब मज़े में है। एनवायरनमेंट लुकिंग अराउंड, ये अपना जो बेसब्री से वेट किया हुआ है हमारा बुक आया है, टेक्स्ट बुक, ठीक है, एनवायरनमेंट फिफ्थ स्टैंडर्ड। आज हम देखेंगे सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस किसके होते हैं? जो हम खाते हैं उनका मिठास कितना है, उनका स्वाद कितना है, उसको कहते हैं बच्चों सेंसेस। ओके, हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? यू वर ईटिंग इन अ प्लेग्राउंड, अ क्रो फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। क्या आपको ऐसे कभी हुआ है कि आप बैठे हो प्लेग्राउंड पे सबके साथ खेल रहे हो और अचानक से कहीं से एक क्रो आ गया, कौआ, और आपकी रोटी उठा के लेके गया? क्या ऐसे कभी हुआ है बच्चों? एज यू वॉक स्लोली सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, इट ईयर्स शुक अप एट वंस। कभी ऐसे हुआ है कि कोई डॉग सो रहा है, आप उनसे गुजरे और उन्होंने झटपट अपनी ईयर्स, जो कान हैं, वो फटाक से उन्होंने खड़े किए, ऐसा कभी हुआ है? यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मेनी एंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। कभी ऐसे हुआ है कि आपका मीठा कुछ खाते खाते गिर गया हो और तुरंत आपका कुछ ना कुछ गिरा और उधर झटपट एंट्स आ गई और उन्होंने वो लपक लिया और पूरा क्राउड हो गया? ये चीज़ें हमेशा होती हैं बच्चों, जब भी आप कुछ भी खाओ हमेशा एंट्स आ जाती है। कुछ एनिमल्स भूखे होते हैं, वो आपकी आपसे छीन लेते हैं, तो ऐसी होने की संभावना होती है। फिर है डॉगी, डॉगी का भी किस्सा राइट है। वाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल, सोचिए ऐसा क्यों होता है। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। आपको एनिमल्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, कि आपका एक स्मेल आता है उनको तो वो टेस्ट करते हैं बच्चों, कि मेरे मैम आए हैं, मेरी मम्मा आई हैं, ठीक है, उनको इतना लगाव हो जाता, मेरा भाई आया है, वो आप अगर उनको पालते हैं तो वो आपको बहुत ही मान और इज्जत से बुलाएंगे और चाटेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे आपके साथ, बहुत ही वो प्रेमल होते हैं, उनको बहुत ही प्यार होता है आप पे। स्मेल एंड फील, सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे डाउन फूड वेरी वेल, जैसे ईगल होती है वो भी ऊपर से उनका खाना देख लेती। सम कैन हियर इवन द साइटियस साउंड, डिजिंग, बजिंग, ये सब भी वो लोग बच्चों सुन सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी सेंसिटिविटी होती है। मेरे पास तो डॉगी थे, वो डैडी को मेरे स्मेल कर लेते थे और वो करीबन यहाँ से शेरपुर गांव होगा शायद, तो यहाँ से उनको पता चल जाता था कि डैड आ रहे हैं। तो डॉगीज़ में ये स्निफिंग पावर बहुत होता है, कहने का तात्पर्य। सन एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय द स्मेल, कुछ लोग इतने तेज़ होते कि उनके फ्रेंड्स को स्मेल से पहचान लेते, जैसे अभी मैंने कहा, इसीलिए डॉग्स, पुलिस लोग, पुलिसमैन जो होते हैं वो डॉग्स को चूज़ करते हैं। द एनिमल्स वुड फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस, तो एनिमल्स का पूरा कोटा होता है, ख़त्म नहीं होगा, वो पूरे आपको जानकारी देंगे बच्चों कि मैम इतने अच्छे होते हैं डॉग और कैट्स, आपको भी पता होगा, तो चलो उनके बारे में कुछ सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए बहुतों को इंटरेस्ट भी होगा मेरी तरह डिज्नी एडवेंचर देखने के लिए, डिस्कवरी चैनल देखने के लिए। हाउ डिड द एंट रिकग्नाइज अ फ्रेंड? एन एंट वॉज गोइंग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। The first ant quickly came out from its hole and the ant guiding the hole recognized it and let it in.
आप देखना चींटियों को सिर्फ ऑब्जर्व करना, वो है ना एक को दूसरे को ऐसे जैसे हेलो कर रही हो ना ऐसे करके जाएगी आगे पीछे आगे पीछे. हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर्स एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? हाउ डिड द गार्ड नॉट रिकग्नाइज द एंट? ट्राई दिस एंड राइट. ड्रॉप शुगर जैगरी और एनीथिंग ऑन द ग्राउंड. वेट अंटिल द एंट्स कम आउट. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फ्रॉम द एंट्स टू कम? अभी क्या है यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे बच्चों कि ऐसे क्या हो जाता है कि एंट्स आ जाती है, ऐसे कैसे होता है उनमें कि वो गार्ड्स को रिकग्नाइज करते हैं और अपने तक पहुँच जाते हैं और उनके फ्रेंड्स तक पहुँच जाते हैं. थोड़ा सा मीठा गिरा नहीं कि कैसे वो आ जाते हैं. ऑलमोस्ट फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स कह सकते हैं, ऐसे भी नहीं बोल सकते कि 5 मिनट लगते हैं बच्चों. तुरंत एंट्स आ जाती हैं. डिड वन एंट कम फर्स्ट एंड द ग्रुप ऑफ द अदर? एक एक करके आती है. यू कैन राइट नो ओनली वन कम्स एंड देन द वन कॉल्स द अदर ग्रुप्स. उनमें केयरिंग और शेयरिंग बहुत होता है. वह ऐसे नहीं कि पूरा गुड़ या पूरी शक्कर वो चटक जाएंगी, वो दूसरों को भी बताते हैं. हाउ लॉन्ग का आप बोल सकते हो कि 2 मिनट्स, फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में आ जाते हैं. हाउ डिड द एंट्स डू विद द फूड? व्हाट डिड द एंट्स डू? वो क्या करते हैं, फूड को लेकर जाकर स्टोर करते हैं. अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वो लेकर जाकर स्टोर करते. वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? वो एक गुफा में या फिर एक खड्डा उन्होंने बनाया हो दीवार या फिर कोई ग्राउंड पे जाके अंदर वो छुपा के उनके वस्तुओं रखती है ताकि जब खाना ना मिले तब वो ये खा सके. इनके एंट्स की तो बड़ी स्टोरीज है ना, वो बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है, वो बहुत ज़्यादा काम करने वाली होती है और वो बहुत ज़्यादा मिलनसार होती है. वो बहुत ज़्यादा सो यहाँ तक पहुँचे हम लोग. वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? तो बच्चों लिखा है वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर. सो दे गो वेयर द स्टोरेज इज अवेलेबल. देन चिल्ड्रन ऑफ दिस एज आर इंटरेस्टेड इन एनिमल्स. इनकरेज देम टू शो देयर एक्सपीरियंस. चिल्ड्रन वुड ऑल्सो सपोर्ट टू कैरी द ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज ऑफ विच द पेशेंस इज रिक्वायर्ड. ये चीज़ें अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ डिस्कवरी चैनल देखिए. इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सब दिखाया है बच्चों. और ये चैनल ऐसा है जहाँ आप डैडी मम्मी सबके साथ बैठ के देख सकते हो. नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग दी एंड्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ स्मॉल विथ अ पेंसिल. नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. अभी आप देखना उनको, आपको उनको टच नहीं करना, आप उनको हार्म नहीं करना है, आपको सिर्फ पेंसिल डालनी है. तो आप क्या देखेंगे, अगर आपने पेंसिल वहाँ रखी है तो आप देखेंगे कि मेनी इयर्स अगो साइंटिस्ट डिड मेनी एक्सपीरियंस लाइक दिस. दे फाउंड आउट दैट एज द एंट्स मूव दे लीव अ स्मॉल स्मेल ऑन द ग्राउंड. The other animals follow the same smell to find them. अब क्या होता है, ये animals move करते हैं तब वो एक smell छोड़ते हैं अपनी. और जब वो smell छोड़ते हैं बच्चों तब other animals को पता चलता है कि इधर एक animal आके गए हैं और उनकी smell छोड़ के गए हैं. Now can you guess which animals behave like them when you path? Some insects also recognize their females by smell. I am a silkworm. I can find my female from many kilometers away from the smell. Have you ever have been troubled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? The mosquitoes will find the smell of your body. They will also smell the scruff of your feet and heat of your body. हाँ, मुझे तो बहुत ही काटते हैं मच्छर, आपका पता नहीं है, बट मेरा मैं बताऊंगी बच्चों,
बहुत ज़्यादा काटते हैं, तो सब मुझे बोलते हैं आपका मीठा ब्लड है इसलिए सब काटते हैं, बट वो रियली आपको स्मेल करते हैं। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग योर एंड दे ट्राइंग टू स्मेल? थिंक डॉग्स मार्क ऑन देयर ओन एरिया रोड, दे कैन मेक इट विथ अनदर डॉग एंड अदर्स ऑन द एरिया बाई द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। तो बच्चों उनकी स्मेल से भी डॉग उनको रिकग्नाइज करते हैं। बस आज के लेसन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। रीड करना लेसन और अच्छे से फॉलो करना।